हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन है, जो आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी सही तरीके से मिलेगी। और इन चीज़ों को आपको जानना होगा, तभी सही चीज़ से सही तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। इसके साथ साथ दोस्तों, ऐसे ही लगातार इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपडेटेड रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कब काउंसलिंग हो गया, कौन से राउंड में आपकी काउंसलिंग है, कब हमको कॉलेज चूज़ करना है, कब हमें कॉलेज अलॉट करवाना है, पता ही नहीं चलता। और फिर पता चलता है कि सर मैंने तो ध्यान नहीं दिया, सर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, क्या अब मिल सकता है एडमिशन? तो ऐसे नहीं होता है, पूरा सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लेंगे तो आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, साथियों, यूपी ट्रिपल एसी पेट परीक्षा 2023 का नोट्स तैयार किया जा चुका है दोस्तों, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया गया है, और ऑफर भी आप सभी के लिए लाया गया है, और नोटिफिकेशन इसका जारी होने वाला है दोस्तों, जून के एंड में ही जारी हो जाएगा इस बार पेट 2023 का नोटिफिकेशन। तो यूपी ट्रिपल एसी पेट परीक्षा की तैयारी अगर करना चाहते हो तो हमारे नोट्स को अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अभी आपको कीमत भी कम चुकानी है, मात्र 149 रुपीज में आपको कंप्लीट सिलेबस का हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है यहाँ पर। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, विज्ञान, गणित, हिंदी, रीजनिंग, समान जागरूकता, हिंदी, गद्यांश, ग्राफ और तालिका, समसामयिकी, ओवरऑल एक भी सिंगल सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इस कोर्स से, इस नोट से बाहर हो। सब कुछ आपको दिया जा रहा है मात्र 149 रुपीज में। तो आपको लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा कि सर मुझे बी एड, जैसे आप पहले मैसेज करते थे ना बी एड एंट्रेंस का नोट्स लेने के लिए, उसी तरीके से आप इस नंबर पर मैसेज करें कि सर मुझे यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी दी जाएगी। तो अभी से तो बहुत फायदा रहेगा, बहुत अच्छा गेन करोगे आप, और कीमत भी तो नाम मात्र 149 रुपीज है दोस्तों। तो अभी से लेकर इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए और बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो पेट एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो तो इस नोट्स को आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, 90+ अंक आने की गारंटी है। तो चलिए चलते हैं खबर पर, जिनको भी लेना है, इंटरेस्टेड है, इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का नोटिस है, और इसमें शैक्षिक अर्हता के बारे में डिटेल में बताया गया है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा, जिन्होंने इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित कराया था, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि आप में से 80% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में फॉर्म डाला था, यानी कि फाइनल ईयर में ही थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, लास्ट ईयर थर्ड ईयर में थे, उनका एग्जाम चल रहा था, एग्जाम नहीं हुआ था, तब फॉर्म डाले थे। और आप सभी को पता है इसको जी कि बीएड की जो अर्हता है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है, वो ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड कर सकते हो, है ना। तो यहां पर साफ तौर पर अपेयरिंग कैंडिडेट को भी मौका दिया गया था बीएड एंट्रेंस देने को, लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण नोट भी दिया गया था। देखिए, महत्वपूर्ण नोट आप पढ़ लीजिए, इसमें यह बताया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2023 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, अर्हता परीक्षा क्या है, यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा में जो सम्मिलित हो रहे हैं इस बार, ठीक है, फाइनल ईयर में, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्हर होंगे, यानी मान्य है, आवेदन कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया गया था इस बार बैठने के लिए। आप में से कितने लोगों ने कमेंट करके बताओ, आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया था, या आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ है, या एग्जाम देने जा रहे हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप अपेयरिंग में फॉर्म डाले थे, या आपका ग्रेजुएशन पहले से ही कंप्लीट था, ठीक है। 90% छात्र ऐसे निकलेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन में ही फॉर्म डाला था लास्ट ईयर में, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर यह भी बताया गया था कि ऐसे अभ्यर्थियों को, यानी जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, जिनको मौका दिया जा रहा है, उनके लिए ये बात कही गई थी कि ऐसे अभ्यर्थियों को जिनको हम अपेयरिंग में मौका दे रहे हैं लास्ट ईयर में बैठने के लिए, इसमें वो काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि अब अर्हता क्या है, अर्हता यहां पर आप लोग देख लीजिए कि यानी कि आप ग्रेजुएशन पास हों, और ग्रेजुएशन में कंडीशन रखा गया है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में समान एवं पिछड़ा वर्ग है, तो न्यूनतम 50% अंक के साथ आप ग्रेजुएशन पास हो तभी आप एलिजिबल होंगे बीएड में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो पास होना नहीं जरूरी है, 50% मार्क्स से पास होना, यानी 50+ परसेंटेज आपके बने ही बने। अगर बाई चांस आपने एग्जाम दे दिया है काउंसलिंग करवाने के टाइम, आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट में पता चला कि मेरे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज करते हैं लास्ट में, मैसेज करते हैं कि सर मेरा 49% ही बना है ग्रेजुएशन में, सर मेरा 47% बना है, सर मेरा 45% बना है, मेरा 50% नहीं बना है, क्या सर मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं एडमिशन ले सकती हूँ, या काउंसलिंग करवाऊँ क्या ना करवाऊँ? तो भैया, साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा तभी आप पात्र होंगे बीएड एंट्रेंस का, बीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो भैया, 50% आपको अंक
लाने ही लाने हैं ग्रेजुएशन में, वरना आपका समय पैसा दोनों बर्बाद जाएगा, आपको एडमिशन इस वर्ष नहीं मिलने वाला है। आपको इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा पहले अपने एग्जाम में, यानी अपना इंप्रूव करना होगा मार्क्स एक बार फिर से ग्रेजुएशन में, आपको कुछ सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट डालना होगा और इंप्रूव करना होगा अपने मार्क्स को और 50% प्लस करना होगा तभी जाकर आप एलिजिबल हो पाओगे बीएड में, वरना वो बेकार रहेगा आपकी ग्रेजुएशन डिग्री, आप बीएड नहीं कर सकते हो क्योंकि मिनिमम मार्क्स आपके 50% होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में। तो भैया अगर आपका एग्जाम हो गया है तो 50% से अधिक अंक आने पर ही आपको एडमिशन मिलेगा, ये साफ तौर पर नोटिस में बताया गया है और आप लोग इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपका 50% से कम मार्क्स आता है तो आप काउंसलिंग मत करवाना, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, काउंसलिंग का भी पैसा चला जाएगा और लास्ट टाइम में आपका फ्रॉड हो जाएगा, यानी कि आप एकदम फ्रॉड के तौर पर एडमिशन लोगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में जाकर तो 50% नहीं रहेगा तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके साथ साथ कोई भी जानकारी, परेशान नहीं होना है, रिजल्ट आएगा, कोई भी समस्या आ रही है मुझसे बात कर लो सीधा, ये मेरा यूजर आईडी है, आप इसको सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम पे और आज ही मुझे फॉलो कर ले, वहां पर भी अपडेट देता रहता हूं और आपको समय समय पर सारे मैसेज का रिप्लाई भी करता रहता हूं। आपको एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे समस्याएं आएंगी, बहुत सारी चीजों को करना होगा, जैसे काउंसलिंग कराना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, कैसे काउंसलिंग हुआ, कौन कौन से कॉलेज चूज करें, कौन से कॉलेज बेस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है, कौन सा अच्छा कॉलेज है, बहुत सारे सवाल रहेंगे आपके मन में। सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से गलत कॉलेज में एडमिशन बच्चे ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरे यूजर आईडी है, सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे और मुझे मैसेज कर दीजिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और आप लोग इस नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिए पेट एग्जाम 2023 के लिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 149 रुपीज पे करके आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।